विघ्न बाधा हरने वाले और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की चतुर्थी का पर्व शनिवार से धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश मंदिरों व पंडालों में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही गणेश महोत्सव का आगाज भी हो गया है। अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसी कड़ी में ट्विन सिटी समेत जिले भर में मंगलवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। जिले भर में शनिवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। जगह जगह गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दी। घर घर में भगवान विघ्नहर्ता की स्थापना की गई है। प्रतिमा के साथ साथ एक ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया गया है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा एक पेड़ माँ का नाम थीम पर निर्मित किए गए भव्य पंडाल में 16 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा विधिवत स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके बाद भक्तों ने गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस मौके पर न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सेक्टर 2 पंडाल में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा यहां पर विराजित की गई है। साथ ही यहां पर झांकी के तौर पर एक पेड़ माँ के नाम का थीम लिए विशाल भव्य सेटअप भी तैयार किया गया है। इन झांकियों को पेड़ों की छालों से लकड़ियों से तैयार किया गया है। कारीगर ने बहुत ही बारीकी से इस सुंदर भव्य झांकी को तैयार किया है। गणेश चतुर्थी के प्रथम दिवस पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। आरती में जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल रहे, वहीं झांकियों का आनंद उठाते भी नजर आए। आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। जय श्री गणेश। समिति का ये 40वां वर्ष है और इस बार समिति माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान था एक पेड़ माँ के नाम, उसी थीम पे काम कर रही है। और पूजा के साथ साथ हमको देश बचाना है तो हमको पेड़ पौधे बचाना बहुत जरूरी है, ऐसा थीम लेके आई आजाद समिति। इसमें आपको देखने को मिलेगा वन देवता और वन माता। ये आग्रह कर रहे हैं कि जंगल ना काटें, अगर जंगल कटता है तो इस बार की बढ़ती गर्मी को हम देखते हुए जो परेशानी हुई थी, अब देखिए कोविड में जो हुआ था लोगों को अक्सर कटना पड़ रहा था, जो हमारे बीच है पेड़, तो पेड़ों को ना काटें, ऐसा आग्रह वन देवता का भी है। और हमारी समिति इस बार लोगों से आग्रह कर रहे हैं, पिछली बार भी हम लोग को जागरूक करने का प्रयास किया था, इस बार भी हम ये कर रहे हैं कि पेड़ों को बचाना, जंगल बचाना है और हमको पर्यावरण को बचाना है तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। हाँ, मैं लोगों से यही करूँगा कि बप्पा साक्षात 11 दिन हमारे आह्वान भी पूरे बिलाईवासी जो पूजा पाठ जो भक्ति भाव से करते हैं, बप्पा को वहाँ आना पड़ता है। तो सेक्टर 2 की पावन धारा पे मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप जरूर बप्पा के दर्शन करने हैं। और सुरक्षा को देखते हुए यही करूँगा कि बढ़ती जो भीड़ को देखते हुए आप अपने गहने सोने चांदी जो भी पहनेंगे उसकी सुरक्षा आप स्वयं करें, क्योंकि बहुत भीड़ है। इस बार यहाँ पर जो दुबई टर्मिनल जो बोलते हैं फिश टर्मिनल, वो एक नया चीज़ आया है। तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप सुरक्षा को देखते हुए और अपने जो गहने वहने उसको आप स्वयं इसके आप देखते करेंगे, और आग्रह करूँगा और हमारी समिति सारी सुरक्षा को ध्यान करते हुए हम लोग हर चीज़। बहरहाल पूरे 10 दिनों तक विभिन्न आयोजन यहां पर कराए जाएंगे। श्रद्धालु हजारों की संख्या में रोजाना यहां पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।